मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना है। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, हर एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं। देखिए A11 आप देखिए इसका कोफैक्टर निकालते हैं, ऋण एक की पावर ये दोनों जोड़ देते हैं, एक धन एक। पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, 4 3 3 4, एक और एक दो, ऋण एक की पावर दो प्लस, ये हो गया 4 3 3 4, 4 4 16 माइनस 9 9 7 16। फिर A12 करेंगे तो इसका -1 की पावर 1 प्लस 2, -1 की पावर i प्लस j का गुणा करते थे माइनर में, तो माइनर क्या होगा इसका, A12 मतलब पहला और दूसरा कॉलम 1 3 1 4, ऋण एक की पावर 3 ऋण आएगा, 4 1 4 माइनस 3 ऋण 1। फिर A13 करेंगे तो ऋण 1 की पावर 1 धन 3, यहां देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 1 4 1 3, ऋण 1 की पावर 4 1 आएगा, तो 1 4 1 3, 3 माइनस 4 -1, A11, A12, A13 निकल गया। अब हम A21 निकालेंगे और यहाँ ऋण 1 की पावर 2 धन 1, ऋण 1 की पावर इन्हीं का योग करते हैं i प्लस j। अब यहाँ देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, देखो दूसरा रो पहला कॉलम, देखिए दूसरा रो है पहला कॉलम, तो 3 3 3 4। अब देखिए दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, 3 3 3 4, तो हो जाएगा ऋण 1 की पावर, लिखते इसको ऋण i 2, ऋण 1 की पावर 2 प्लस 2 यही i प्लस j। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसी को देखो इस छोड़ेंगे डिलीट करेंगे, तो 1 3 1 4 माइनर हो गया, तो ऋण 1 की पावर 4 प्लस ही होगा, तो 4 ऋण 3 1, राइट। एक करेंगे तो ऋण 1 की पावर 2 धन 3, इन्हीं दोनों का योग, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, तो 1 3 1 3 1 3 1 3, 3 माइनस 3 ऋण रहेगा, 3 ऋण 3 0, ये हो गया। फिर आते हैं A31 है तो ऋण 1 की पावर 3 धन 1, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम 3 3 4 3 3 3 4 3, तो ऋण 1 की पावर ये 4 हो जाएगा प्लस, तो 3 3 4 3, 9 माइनस 4 12 ऋण 3। अब A32 ऋण 1 की पावर 3 धन 2, ऋण 1 की पावर i प्लस j, पता है आपको परिभाषा पूरी अच्छे से पढ़ चुके हो, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 3 1 3, यहां ऋण 1 की पावर देखिए 5 ऋण ही होगा, लेकिन 0 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 0 ही आ जाएगा। अब A33 ऋण 1 की पावर 3 धन 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम, देखो तीसरा रो तीसरा 1 3 1 4, 1 3 1 4 ऋण 1 की पावर 6 प्लस ही आएगा, 4 ऋण 3 1। तो सभी एलिमेंट का मैंने को फैक्टर निकाल लिया। आप जानते हो ऋण आई, ऋण 1 की पावर आई प्लस जे, यम आई जे होता है को फैक्टर। आप जानते हो माइनर में ऋण 1 की पावर आई प्लस जे, आई 1 है जे 1 है तो 1 धन 1, आई 1 है जे 2 है तो 1 धन 2, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया। अब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सी, तो केवल कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, तो क्या होगा, 7 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 3 1 0, यहां ऋण 3 0 1, बस इतना ही करना था। फिर ज्वाइंट निकालना है तो सी डैश, यहां जो रो में लिखा है यहां कॉलम में लिख देंगे, देखिए यहां पहला रो है पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और तीसरा रो तीसरा कॉलम, एड ज्वाइंट, अगर ज्वाइंट पूछेगा तो इस तरीके से निकालेंगे। बस लगाते वक्त ध्यान रखिएगा, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी, अगर जीरो के बराबर नहीं है तभी ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 माइनस 4 9 2, 3 2 6 प्लस 36 आएगा,
42 आना, इज नॉट इक्वल टू जीरो। अतः अब ये व्युत्क्रमणीय है, यानी कि ए इनवर्स का एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व रहेगा। अब हम क्या कहेंगे, अभ्यु ए के अवयवों के सगुणनखंड निकालेंगे, सखंड ए वन वन। तो देखिए मैं अगर ये देखिए ऋण एक की पावर यही लिखता हूं, एक धनी तो प्लस ही जाएगा, ऋण एक की पावर दो कोई दिक्कत नहीं, दो ही आ जाएगा। अब ऋण एक की पावर दो क्या होता है, प्लस, तो दो ही मिला। ए वन टू ऋण एक की पावर एक धन दो। अब पहला और दूसरा कालम नाइन आएगा, ऋण एक की पावर तीन ऋण होगा ऋण नौ। फिर दूसरा रो पहला कालम ऋण एक की पावर दो धन एक। अब दूसरा रो पहला कालम ऋण चार आएगा, तो ऋण एक की पावर तीन ऋण रहेगा, ये ऋण धन हो जाएगा। अब ए टू टू ऋण एक की पावर दो धन दो, दूसरा रो दूसरा कालम तीन, ऋण एक की पावर चार प्लस तीन आ जाएगा। यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ऋण एक की पावर तीन ऋण एक होगा और गुणे ऋण चार, तो चार आएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला ऋण एक की पावर एक धन एक, ऋण एक की पावर आई प्लस जे, फिर माइनर, तो ऋण एक की पावर आई प्लस जे। देखिए ये चीज छोड़ दिए, दो आ गया। फिर ए वन टू पहला रो दूसरा कॉलम ऋण नौ, फिर ए टू वन ऋण होता है तो ऋण ऋण धन हो गया, और ए टू टू तीन। ये तो हो गया कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना लेंगे, सी सी बनेगा आपका दो ऋण नौ, रिप्लेस कर दिए सभी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से, रिप्लेस करिए सभी एलिमेंट को हटाकर कोफैक्टर ले गए। अब एडजॉइंट ए इक्वल टू हो गया सी डैश, तो सी डैश का मान दो ऋण नौ चार तीन, एडजॉइंट ए हो गया। अब ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपान डिटरमेंट ए, एक बटे बयालीस दो चार ऋण नौ तीन, चाहे यही रहने दो चाहे तो एक बटे बयालीस का सब में गुणा कर दो। तो जब आप ऋण आई प्लस जे के बाद दो लिखेंगे तो दो को तो दो ही हो जाएगा। जो है देखिए थ्री क्रॉस थ्री है मैट्रिक्स, वर्ग अभ्यू होगा ही, वर्ग अभ्यू का ही निकलता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। आप जानते हो इसके अवयवों को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस करके जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज ले लिया जाएगा, या इसके सभी अवयवों के सगुणनखंड निकाल के उसका परिवर्तन। तो हर बच्चे ध्यान देगा, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, देखेंगे नॉन सिंगुलर है कि नहीं, व्युत्क्रमणीय है कि नहीं। डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखिए तुरंत समांतर रेखाओं के बीच में आ जाएगा, वन टू थ्री वन थ्री फाइव वन फाइव ट्वेल्व। अब इसका प्रसार हो जाएगा क्योंकि ये सारणिक बन गया, तो इसको हम एक नंबर से जो है एसोसिएट कर सकते हैं। आपने पढ़ा था डिटरमिनेंट आप स्क्वायर मैट्रिक्स कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट कर सकते हैं एक नंबर से। तो देखिए इसको देखिए, वन करेंगे तो क्या आएगा, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए बढ़ती हैं छत्तीस माइनस पच्चीस, ऋण दो करेंगे तो ये चीज छोड़ देंगे बारह माइनस पाँच, और प्लस तीन करेंगे तो पांच ऋण तीन। बहुत सावधानी से करिएगा, कहीं गलती होने का चांसेस नहीं होना चाहिए। जैसे वन करेंगे तो बढ़ती है छत्तीस पचम पच्चीस, और ऋण दो करेंगे तो ये चीज बारह ऋण पांच, और तीन करेंगे तो पांच ऋण दो। छत्तीस में पच्चीस गया, ध्यान दीजिए कि ग्यारह होगा, और बारह में पांच गया सात, सात में दो का गुणा चौदह होगा, और पांच में तीन गया दो, दो में तीन का गुणा छह आया, ग्यारह छह सत्रह माइनस चौदह तीन आया। डिटरमिनेंट ए तीन आया, यानी कि डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अतः जो अभ्यू ए है वो व्युत्क्रमणीय अभ्यू हो गया, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी व्युत्क्रम का अस्तित्व रहेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स का अस्तित्व रहेगा, ए इनवर्स संभव है। अब क्या करेंगे हम लोग, अभ्यू ए के अवयवों के सगुणनखंड निकालेंगे ए वन वन। शॉर्टकट में भी निकल सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा सावधानी से पूरा करना है, क्योंकि हम एग्जाम की ही तैयारी करा रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी नहीं करा रहे हैं, इसलिए हम इसको पूरी तरीके से कैसे एग्जाम में लिखना है वो सिखा रहे हैं। बहुत लोग एक ही लाइन, मैंने एक दिन सिखाया था आपको, एक ही लाइन में बन सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप आपको आने लगेगा। इसलिए एक एक चीज को आप गंभीरता से कैसे परीक्षा में ज्यादा अंक मिले इसको ध्यान में रख के हमको करना है।
अब आप भी एक के अवयवों के सहगुणनखंड निकालेंगे। A11 पहला रो पहला कॉलम, वो तो आप एक ही लाइन में आप ऐसे गुणा करके कर सकते हो। A11 देखिए पहला रो पहला कॉलम 3 5 और 5 12, इसका चिन्ह प्लस होगा क्योंकि रीड एक की पावर आई प्लस जे, रीड एक की पावर 2 प्लस, तो 3 5 5 12। A12 चिन्ह माइनस होगा, इसको समझ सकते हो रीड एक की पावर 1 2, रीड एक की पावर 3 हो जाएगा। तो पहला रो दूसरा कॉलम 1 5 1 12। फिर A13 निकालेंगे, इसमें रीड एक की पावर 4 प्लस ही होगा। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो 1 3 1 5। अब क्या आएगा, बढ़ती है 36 माइनस 25 11, 12 माइनस 5 7, और यहां 5 माइनस 3 2। A11 11 हुआ, A12 7 हुआ, A13 2 हुआ, यहां तक कर लीजिए पहले। आएंगे A21 रीड ही होगा, A21 देखिए दूसरा रो पहला कॉलम 2 3 5 12, देखिए ये चीज। फिर A22 लेंगे, प्लस होगा, विषम है तो माइनस, सम है तो प्लस, यहाँ 2 2 4 सम है तो प्लस। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो 1 3 1 12। अब यहां देखिए A23 करेंगे तो माइनस आएगा, विषम आ रहा है, और दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 2 1 5 1 2 1 5। अब यहां देखिए माइनस, यहां आएगा 24 माइनस 15, ठीक, और यहां आएगा 12 माइनस 3, और यहां आएगा 5 ऋण 2। यहां देखिए ऋण 9 आएगा, यहां 9 आएगा, यहां ऋण 3 आएगा। 3 3 5 2 3 3 5 5 2 या 10 माइनस 9 1। A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए ऋण के साथ चलेगा ये, देखिए 1 3 1 5 1 3 1 5, ऋण 5 ऋण 3 ऋण 2। और A33 इसमें बहुत सावधानी बरतिएगा क्योंकि 5 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ती है यूपी बोर्ड में, कहीं दिक्कत ना हो। 3 ऋण 2 1। आप देखिए आपने निकालिया A11 A12 A13 राइट। अब ये आपको फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। सी 11 ऋण 7 2 आया, ऋण 9 9 ऋण 3 आया, और 1 ऋण 2 1 आया। ये आपने को फैक्टर्स का मैट्रिक्स बना लिया। अब इसका परिवर्त आप एडजॉइंट के बराबर होता है सी डैश, यानी जो रो में रहेगा उसको कॉलम में, देखिए रो है इसको कॉलम, 11 ऋण 7 2 ऋण 9 9 ऋण 3 और 1 ऋण 2 1, ये हो गया आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट 3 आया था हमारे ख्याल से, 1/3। फिर यहां आएगा आप यू के रूप में लिखेंगे, यहां 11 1 ऋण 9 1 ऋण 7 9 ऋण 2 2 ऋण 3 1, ये आपका इनवर्स निकल गया। 3 ऋण 9/3 ऋण 3 1/3 ऋण 7/3 9/3 3 ऋण 2/3 2/3 ऋण 1 1/3, एक 1/3 का सम में गुणा कर दीजिए। निकालेंगे (2 - 2 = 3) (1 - 0 - 3) (3 - 4) 0। डिटरमिनेंट निकालेंगे, अब इसका जो है विस्तार करिए क्या होगा, 2 यहां देखिए 0 + 12 माइनस में प्लस हो जाएगा, ऋण 2 है तो धन 2 हो जाएगा, ए और ये चीज छोड़ देंगे, 0 + 9 + 3 करेंगे 4 - 0, तो 12 2 = 24 9 2 = 18 + 12, तो 24 + 30 = 54 आया।
इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अतः आप व्यू ये जो है व्युत्क्रमणीय आप व्यू है, मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सभी जानते हो अगर हमको केवल इतना चेक करना होता है कि इसको दिखाइए कि नॉन सिंगुलर है, बस इतना ही करना रहता है, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप निकालेंगे डिटरमिनेंट 54 आ गया बच्चों, अब आप क्या करेंगे, तो A11 देखिए बच्चों को फैक्टर निकालेंगे, A11 0 माइनस 3 40, A12 ये पहला रो दूसरा कॉलम 1 माइनस 3 30, यहां माइनस के साथ रहेगा, A13 पहला रो तीसरा कॉलम 1034। देखिए पहले A11 हो तो देखो पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, 0 ऋण 3 4 0, A12 है तो चिन्ह माइनस हो जाए क्योंकि ऋण आई प्लस जे हो जाता है, ऋणा 1 की पावर आई प्लस जे, तो ऋण 1 की पावर आई प्लस जे, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ऋण यहां देखिए पहला रो तीसरा ये हो गया। अब यहां देखिए 0 प्लस 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ ऋण बाहर रहेगा, 0 प्लस 9 माइनस 9 आ जाएगा, और यहाँ 4 माइनस 0 4 आ जाएगा। अब 8 2 1 निकालेंगे तो इसका चिन्ह ऋण होगा क्योंकि ऋण 1 की पावर आई प्लस जे, 2 1 3 हो जाएगा, ऋण 1 की पावर 3 माइनस, यहाँ देखिए दूसरा रो पहला कॉलम ऋण 2 3 4 0 तो हो जाएगा 0 माइनस 12 तो हो जाएगा 12, 8 2 2 प्लस ही होगा जानते हो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 3 3 0 2 3 3 0 तो 0 माइनस 9 माइनस 9, 8 2 3 होगा ऋण दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 ऋण 2 3 4 बचेगा, 2 ऋण 2 3 4 ऋण 14। पूरा डिटेल में समझ चुके हो उसका बेस कई दिनों से। अब A31 प्लस होगा 3 1 4 है, तीसरा रो पहला कॉलम ऋण 2 3 0 ऋण 3 ऋण 2 3 0 ऋण 3 तो 6 माइनस 0 6 आएगा, और A32 होगा माइनस तीसरा रो दूसरा कॉलम, देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 3 1 माइनस 3 2 3 1 माइनस 3 तो -6 -3 ऋण 9 9 आ जाएगा, और A33 जब करेंगे तीसरा रो तीसरा कॉलम, देखिए तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 ऋण 2 1 0 2 ऋण 2 1 0 तो 0 प्लस 2 हो जाएगा 2। इनसे मैट्रिक्स सी बनाएंगे, क्या बनेगा, 12 ऋण 9 4 12 ऋण 9 ऋण 14 6 9 2 सी बन गया। अब सी डैश तो 12 ऋण 9 4 12 ऋण 9 ऋण 14 6 9 2 अब ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो 1/54 12 12 6 ऋण 9 ऋण 9 9 4 ऋण 14 2 1/54 का गुणा हो जाएगा 12/54 12/54 6/54 ऋण 9/54 ऋण 9/54 9/54 4/54 ऋण 14/54 2/54 अभी बराबर आएगा, 6 से कटेगा, 6 2 12 6 9 54 6 2 12 6 9 54 1/9 फिर 9 6 54 ऋण 1/6 ऋण 1/6 1/6 फिर यहाँ देखिए 2 से कटेगा 2/27 और यहाँ देखिए 2 से कटेगा ऋण 7/27 और 1/27।
ये आपका ये इनवर्स हो गया। 2 1 5 है, ये इनवर्स निकालना है 1 4 3 4 2 1 3 1 4 3 4 2 1 3 2 2 देखिए 1 करेंगे तो देखिए 2 1 2 2 माइनस 4 करेंगे तो ये रो और ये कॉलम 4 1 3 2 प्लस 3 करेंगे तो 4 2 3 2 हो जाएगा 1 2 2 4 ऋण 2 ऋण 4 करेंगे 4 2 8 ऋण 3 3 करेंगे 8 ऋण 6 2 आया 8 में 3 गया 5 और 20 आया और 8 में 6 गया 2 3 6 8 माइनस 20 ऋण 12 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः जो आव्यूह ए है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर हो गया और डिटरमिनेंट ए का मान ऋण 12 आ गया। एक काम तो आपका हो गया, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ये ऋण 1 की पावर 2 हो जाएगा तो प्लस आएगा, तो पहला रो पहला कॉलम देखिए, पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे 2 1 2 2 4 माइनस 2 2 a 1 2 माइनस रहेगा ऋण 1 की पावर आई, आई प्लस जे होता तो 2 1 3 पहला रो दूसरा कॉलम 4 1 3 2 4 2 8 माइनस 3 ऋण 5 a 1 3 प्लस आएगा पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 8 माइनस 6 2 आ गया। यहां तक आ गया सभी को, ऋण के साथ चलेगा दूसरा रो पहला कॉलम 4 3 2 2 तो 4 2 8 माइनस 3 6 ऋण 2 आएगा a 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 3 3 2 1 3 3 2 2 माइनस 9 माइनस 7 और 8 2 3 ऋण के साथ जाएगा दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा 1 4 3 2 2 माइनस 12 माइनस 10 10 हो गया। a 3 1 चलेगा, a 3 1 प्लस के साथ जाएगा तो तीसरा रो पहला कॉलम 4 3 2 1 4 3 2 1 4 ऋण 6 ऋण 2 a 3 2 करेंगे ऋण के साथ 3 2 5 विषम है तो देखिए तीसरा रो दूसरा, तीसरा रो दूसरा 1 3 4 1 1 3 4 1 तो 1 माइनस 12 11 आ जाएगा और a 3 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 4 4 2 1 4 4 2 2 माइनस 16 -14 अब इनसे बना आप यू सी निकालेंगे, सी क्या बनेगा को फैक्टर को ले लेंगे सब 2 -5 2 -2 -7 10 और -2 11 -14 सी बन गया। होता है सी डैश परिवर्ताव्यूह, सी जो बनाया उसका परिवर्ताव्यूह, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 2 ऋण 5 2 ऋण 2 ऋण 7 10 और ऋण 2 11 ऋण 14 इनवर्स आप प्रूव कर चुके हो, एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है तो इसका मान ऋण 1/12 2 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 5 ऋण 7 11 2 10 ऋण 14 क्या करेंगे सब में, ऋण 2/12 ऋण धन 2/12 2/12 ऋण 5 है तो धन 5/12 7/12 ऋण 11/12 ऋण 2/12 10/12 और 14/12 तो आएगा क्या आपका, कैलकुलेशन करिए ऋण 1/6 1/6 1/6 5/12 7/12 ऋण 11/12 ऋण 1/6 -5/6 7/6 आपका इनवर्स आ गया। उत्तर की जांच कर सकते हो, इनवर्स में एक का गुणा कर दो इकाई आप हो जाएगा।